प्यारे दोस्तों, आज हम फिर चौथे भाग में आपके सामने आए हुए हैं कि हाउ टू बिकम रिच इन पार्ट फोर। पिछले भाग में हमने कुछ डिफरेंसेस बताए थे बिजनेसमैन में तथा एम्प्लॉयज में। इसी सीरीज को हम आज आगे लेके जा रहे हैं। देखो, यह है एम्प्लॉय, यह है बिजनेसमैन और वुमेन। तो इनमें से कौन अमीर बनेगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक तरफ है इम्प्लाई जो ये सोचता है कि मुझे अमीर बनने के लिए एक दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। रिसर्च हाई पेइंग जॉब, जब वह एक जॉब करता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, यार मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, फिर दूसरी हाई पेइंग जॉब की तरफ चला जाता है। यानी वहां उसका काम अच्छा था, आनंद से काम करता था, अपने मन के लालच को वो लेकर एक दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसे पता लगता है कि खर्चे तो और भी बढ़ गए हैं, तो ऐसा सारी जिंदगी वो घूमता ही रहता है। तो जो बिजनेसमैन है वो रिसर्च करता है, रिसर्च ऑफ इंक्रीजिंग कैश फ्लो फ्रॉम एसेट्स। अब बिजनेसमैन की थिंकिंग क्या है कि कम से कम पैसा लगा के ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसा कमाना चाहिए। वह एक बिजनेस करता है, दूसरा बिजनेस करता है, तीसरा बिजनेस करता है, वो करता जाता है बिजनेस। तो उन एसेट्स में से जो बेस्ट उसके लिए परफॉर्म करती है उसमें से और ज्यादा इन्वेस्ट करता है। इसका जो तरीका है अमीर बनने का बहुत ही सीधा है और इसका रास्ता बिल्कुल टेढ़ा है, जो कभी भी इस रास्ते पे नहीं जाता है। नंबर दो, स्पेस ऑफ थिंकिंग। अब देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको सिखाता हूं। देखो, यह एम्प्लाई है जो अमीर बनना चाहता है। उसके पास एक जग है, तो वो इसमें पानी डालना चाहता है। वाटर, वाटर मीन्स अपने जो जग है उसका, उसमें मनी डालना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा मैं पैसा कमा लूं एक ही जॉब से। जब तो इतना है, जो स्पेस ऑफ थिंकिंग है वो स्मॉल है, छोटे जग में कभी पानी आता नहीं। जब वह सोचता है कि यार इसमें मैं और पैसा कमा लूं, एक जॉब करूं, उसके बाद दूसरी जॉब करूं, उसके बाद तीसरी जॉब करूं, तो इससे उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती है। ओवर टाइम करेगा, रात को जागेगा, सेहत नुकसान हो जाएगी। तो यह जो व्यक्ति है, बिजनेसमैन कह सकते हैं इसको या इसको बिजनेस वूमेन कह सकते हैं, इसके पास भी ऐसा ही जग था। इसमें भी वो मनी डालना चाहता है, मनी रूपी वाटर। अब जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता है तो वो क्या करता है, जग बढ़ा देता है, एक जग और ले आएगा। अब इसमें पानी ज्यादा हो जाएगा, अब उसके पास एक बहुत बड़ा जग है। अब ये मैं बताना चाहूंगा, ये जग है क्या। जैसे ही बिजनेसमैन का बिजनेस बढ़ता है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बढ़ा देता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज कर देता है। पहले इधर आया, फिर और उससे ज्यादा आया, वह नंबर ऑफ एसेट्स को बढ़ा देता है, नंबर ऑफ एसेट्स। मान लो कि उसकी एक स्मॉल रिटेल शॉप है, धीरे धीरे वह सपना देखता है कि मैं एक बिग
मॉल खोलना चाहता हूँ, तो वो धीरे धीरे अपनी सारी एसेट्स को बढ़ाता है, बिल्डिंग्स और खरीदेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और खरीदेगा, मशीन्स और खरीदेगा, रॉ मटेरियल जिससे फिनिश प्रोडक्ट बनेगा और खरीदेगा, तो कहते कहते उसका जग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो उसका मनी है वो बढ़ जाएगा। इसमें संभव नहीं है क्योंकि स्पेस ऑफ थिंकिंग स्मॉल, इसकी स्पेस ऑफ थिंकिंग क्या है, बिग। तो आपने अपनी थिंकिंग को बिग करना है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एसेट्स को बढ़ाते जाना है, ताकि वो पानी उस बड़े जग में आ जाए, यानी आप जितना कमाना चाहते हो वो आपकी उतनी कैपेसिटी बन जाए। तो ऐसे ही हम एक और डिफरेंस लेते हैं, यहाँ का स्पेस ऑफ थिंकिंग स्मॉल है इसकी, और इसकी है बिग। अब तीसरा है रेशो ऑफ हेल्प। देखो कोई भी एम्प्लॉई है उसकी रेशो ऑफ हेल्प एक एक अनुपात होती है सारी जिंदगी, मीन्स वो एक है तो उसकी जॉब भी एक है, कितना कर लेगा उसी जॉब में, वो ओवर टाइम लगाएगा, यानी वो अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से शक्ति से एक जॉब को पूरा करेगा। जबकि यह रेशो ऑफ हेल्प है, मान लो कि एक व्यक्ति है चाहे वो मैं हूं, तो मैं ऐसे बिजनेस कर सकता हूं कि एक मैं हूं और मेरे 1,000 बिजनेस हो जाएं। हर बिजनेस किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्प दे रहा है, एक ही तीर से हजारों काम किए जा सकते हैं, वही मशीन है। इसी मशीन से आप एक स्कूल में एजुकेशन सेंटर खोल सकते हो, इसी को सीडी बना के शेयर कर सकते हो, इसी से ऑनलाइन शिक्षा को आगे प्रमोट कर सकते हो, तो बिजनेस की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक है उसके एसेट्स भी उतने जितनी ही होती हैं जितना उसके पास पैसा है, वो लिमिटेड है, एक एक के रेशोस है। जो इसके एसेट्स हैं वो भी 1,000 गुना हो जाएंगी। उन एसेट्स को खरीदने के लिए लोगों की कितना ही भला होगा, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, वो एक है उसके पास एक ही हाउस है, हो सकता है जो बिजनेसमैन है उसको अपने काम करने के लिए बहुत सारे शॉप्स खोलने पड़े, बहुत सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़े, तो उसकी 1,000 शॉप्स हो सकती हैं या रियल एस्टेट हो सकती हैं। अब एक और लास्ट जो इसमें है पॉइंट, कि वो सिंगल है, वो कितना डोनेशन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक संस्था को डोनेशन, क्योंकि बिजनेसमैन सोच रहा है कि मैं हेल्प करनी है, उसको ये पता है कि साधन से मतलब कि दूसरों की सेवा से धन का इनफ्लो होता है, कैश इनफ्लो होता है, तो वो सिंगल है और उसके साथ जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनको सपोर्ट देता है, वो 1,000 हो सकती हैं। तो जहां जहां स्पोर्ट्स मिलती है वहां से गुडविल मिलती है, यस ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी माउथ मार्केटिंग हर तरफ चलती जाती है, क्योंकि यह डोनेशन एक जगह पे दे रहा है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है, इसके पास कैपेसिटी है अलग अलग संस्थाओं में जहां डोनेशन देता है वहां से गुडविल, वो लोगों को कहते हैं कि ये अच्छा बिजनेस कर रहा है,
इसका बिजनेस अच्छा चले, तो वहां से उसको साधन मिलते जाते हैं। ऐसे ही एक अन्य बात आपको कहेंगे है। इसकी रेशो ऑफ हेल्प 1:1 और इसकी रेशो ऑफ हेल्प 1:1000। और चौथा पॉइंट है, ये कहता है, ये सपना लेता है, कहता रहता है मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा। है एम्प्लॉई, सारा दिन घर आके थक जाता है, कुछ एंटरटेनमेंट करता है और सो जाता है, क्योंकि इसने जॉब की नहीं, बिजनेसमैन ने। तो ये जो कहता है वो एक्ट अपॉन करता है, करके दिखाता है, वो आज करके दिखाता है, कल के ऊपर नहीं छोड़ता, क्योंकि यह हमेशा ही टुमारो में विश्वास रखता है और यह हमेशा ही टुडे में विश्वास रखता है। यह जो एम्प्लॉई है वो रेशो ऑफ डेट इक्विटी रेशो डेट इक्विटी इसका हाई होता है। मान लो कि इसने 10 रुपए का कर्जा लिया है, इसके पास इक्विटी अपनी पूंजी 1 रुपए है, कभी भी यह कंगाल हो सकता है। बड़े बड़े बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इसको डेट नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है, इसकी डेट इक्विटी रेशो लो है, अर्थात इसने 1 रुपए का कर्जा लिया है, 10 रुपए की इसकी अपनी एसेट्स हैं, कैपिटल है, यह कभी भी डेट को चुका सकता है, इसलिए इसकी गुडविल है। इसके अलावा सातवां पॉइंट है, यह जो भी खरीदारी करता है इन रिटेल, बाय इन रिटेल, यह हमेशा ही एक एक वस्तु खरीदने में विश्वास रखता है। यह बाय इन जो बिजनेसमैन है, बाय इन होलसेल। देखो, जैसे ही बाय होलसेल में करेगा तो इसको बहुत ज्यादा मुनाफा आएगा, डिस्काउंट। बहुत ज्यादा मुनाफा डिस्काउंट आएगा, चाहे वो खाने की चीजें हैं, चाहे वो पहनने की चीजें हैं, चाहे वो रहने की चीजें हैं, सब में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो अमीर बनता ही जाएगा, क्योंकि हर चीज में उससे डिस्काउंट 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 मिलता जाएगा। तो इस बात को समझिए, इस फिलॉसफी को त्यागिए। लास्ट पॉइंट एक और कह के जाता हूं आपको, यहां आठवां पॉइंट इसका बना लेते हैं, नोट ट्राई बिफोर इन्वेस्टमेंट। मान लो ये मकान खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, यह सब्स्टिट्यूट में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, ट्राई नहीं करता मार्केट में, यह 1000 times ट्राई करता है, ट्राई बिफोर इन्वेस्टमेंट। इसके पास तो सैलरी आ जाएगी, ये सोचता है, या हाँ मेरे पास तो सैलरी आ जाएगी नेक्स्ट डे, तो व्हाई वी हैव टू ट्राई, ठीक है, ट्राई नहीं करता, कहता मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम टू ट्राई इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्राई नहीं करता, गलत एसेट खरीद लेता है, तो बिजनेस में बिग लॉस हो जाता है। मान लो वो अपना मकान है, कोई छोटा सा सामान लेना है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, उसको घाटा ही घाटा होता है, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 1 रुपीस है, सिर्फ 1 रुपीस, एक एक पैसा है उसके पास, एक एक रुपया है, वो उस रुपये से काम लेना चाहता है, जाता है बाजार में, हजारों मकान देखता है, पर बेस्ट को चूज करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लेता है, 1000 में से 1 बार चुनता है, वो इसके लिए
1 लाख रुपया पैदा करता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मैं डिवोशन कर दिया अपना समय उस एसेट को चुनने के लिए जो बेस्ट है, तो वो 1 रुपीस इसके लिए 1 लाख पैदा करता है। तो इस फिलॉसफी को आप जिंदगी का हिस्सा मत बनाइए, इस फिलॉसफी को आपने अपने जिंदगी का हिस्सा बनाना है। तो जैसे जैसे आपकी सोच बदलती जाएगी वैसे वैसे आप अमीर बनते जाओगे, क्योंकि अगर आपने इस फिलॉसफी को सोच लिया तो हमेशा ही जहां थे वहीं के वहीं रहोगे। हैवी जॉब्स के पीछे भागोगे, पिछली जॉब्स जहां जिन लोगों ने दी उनके साथ रिलेशन आपने खत्म करते जाओगे। यह रिलेशन खत्म नहीं करता, यह एसेट्स को खरीदता जाता है। जैसे जैसे एसेट्स खरीदता है वैसे वैसे लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनते जाते हैं। इसकी स्पेस ऑफ थिंकिंग स्मॉल है, स्मॉल स्पेस से कहेगा यही मैं, ये भी मैं काम कर लूंगा, वो भी काम कर लूंगा, वो भी काम कर लूंगा। अपने हमेशा सोचता है कि 10 हाथ हैं, ऐसा नहीं है। इसकी स्पेस ऑफ थिंकिंग छोटी है, छोटा जगह है इसके पास, इसके पास बहुत बड़ा जग है। अपना जग बढ़ाता जाता है, ये बाल्टी ले लेता है, ठीक है, तो इसके पास अच्छा बिजनेस होने लग जाता है। इसकी रेशियो ऑफ हेल्प हमेशा 1 रहती है, इसकी रेशियो ऑफ हेल्प 1:1000 हो जाती है। तो लोगों के साथ अटैचमेंट, लोगों के साथ जो टीम बनती है वो इसकी बनती है, इसकी कभी टीम नहीं बनती। ये कहता है, ये करके दिखाता है, ये कल की बात करता है, ये आज की बात करता है। यह डेट ज्यादा लेता है तथा मार्केट में इसे कोई अन्य डेट देने के लिए राजी नहीं। ये डेट लेता है परंतु इसकी जो अपनी कैपिटल है बहुत ज्यादा गुना है उस डेट से, तो लोग देने को तैयार हैं इसे। ये हमेशा ही रिटेल में खरीदता है, कभी डिस्काउंट नहीं मिलता, घाटा 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 बढ़ता जाता है, उसके ऑन बजट महंगा हो जाता है, इसका ऑन बजट सस्ता हो जाता है। यह कभी सोचता नहीं है इन्वेस्टमेंट करने से, क्योंकि इसको लगता है कि मेरे को अगले दिन एम्प्लॉयर सैलरी दे देगा। तो इसका मतलब, उसकी सोच यही है कि मेरे पास हराम का पैसा आना है। ये कहता है मेरे खून पसीने की 1 रुपया है, मेरे फादर ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ 1 रुपया दिया है, इसको मैं अच्छी तरह से घसाऊंगा, अलग अलग जगह पे ट्राई करूंगा, कौन सी बेस्ट एसेट मुझे मिलेगी वो एसेट उसके लिए 1 लाख रुपया पैदा करके रहेगी। ओके, तो इन्हीं बातों को आपने ध्यान रखना है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस फिलॉसफी के साथ एक दिन भारत में अमीर बन के रहोगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।